मतलब नहीं है बात का, ये ये सब अलग चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट, सब बात छोड़ देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू में क्या है, खाली नाम चेंज हो गया और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अ कंपनी हैज टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो। दो प्रोजेक्ट में से एक चूज करना पड़ेगा, कौन सा करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। एनपीवी बोल रहा है, एनपीवी, एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाए थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा नहीं पढ़ाए थे आईआरआर, ये अभी पढ़ाएंगे, फुल फॉर्म से नहीं होगा, फॉर्मूला वगैरह हम लोग को जानना पड़ेगा। फुल फॉर्म तो भाई सभी जान सकते, कोई बड़ा बात नहीं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एनपीवी का। आपको एनपीवी टॉपिक में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया रहता है या फिर निकालना पड़ेगा, बट सम होगा किससे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही होगा, पैट से सम नहीं हो सकता। सपोज क्वेश्चन में आपको पैट दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप वहां से क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और आप कहाँ पहुंच जाओगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में पहुंच जाओगे। ये आपका लाइफ का मकसद है, ठीक है। तो अ कंपनी हैज टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, अभी क्या करेंगे देखो, सबसे पहला काम ये करो, क्वेश्चन नंबर वन, हम लोग पहले प्रोजेक्ट वन का कर लेते हैं, ठीक है। तो दो प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट वन करते हैं, फिर प्रोजेक्ट तुम ट्राई करना। प्रोजेक्ट वन, सो पहला क्लास एनपीवी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एनपीवी इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला। जो लोग वापस लिख रहे हैं बहुत शर्म का बात है, मतलब लास्ट क्लास कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है, लिख लीजिए। आइए प्रोजेक्ट वन, नंबर वन पहले, सबसे पहले चलेगा इयर्स, कितने साल हैं, चार, तो एक दो तीन चार, प्रोजेक्ट वन में इयर्स हो गया चार। इसके बाद बोलता है कि कैश इनफ्लोज, ये सब इनफ्लोज है, देखो नेट कैश फ्लो मतलब इनफ्लोज, और इनफ्लो है 10,000 प्रोजेक्ट वन का, ईयर वन का 10,000, इसको लिखेंगे हम लोग सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर हम लोग लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने का, द कंपनी हैज अरेंज द फंड एट 8%, तो 8% लेने का, जितना बोले। अच्छा ऑप्शन बहुत सारा दिया है, सारा ऑप्शन बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, कहाँ जाने का, सिर्फ 8% के पास। So, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑप्शन 8%। अब उसका डिस्काउंटिंग रेट कितना है पहले वाले का, 0.926, तो ऐसे करके एक के नीचे एक कॉपी करने। डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे डी सी फैट, डी सी फैट बोले तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, 10,000 × 0.926 करेगा, जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, डी सी फैट और पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस, आइदर बुलाएंगे इसको डीसी फेड या फिर पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस। क्लियर और नॉट क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है चिन्मय, 9260, वेरी गुड। इसी तरह हमको सारा करके दो और फिर टोटल कर दो, इसको हम लोग बोलेंगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस, सारा करके देंगे टोटल कर देंगे। किताब दिए हैं, दो क्वेश्चन दिखाई है मैंने, या सचिन भी आया है, क्या बात भाई, कितना एब्सेंट करेगा,
ओ अच्छा, आज उसको उठा के नहीं लाया वीरू पक्के। और क्या था मैं। ओ अच्छा, हो गया डन। चलिए तो बताइए मेरे को कितना कितना कैश लॉस था। 10,000 के बाद क्या क्या कैश लॉस है। नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरी गुड। डिस्काउंटिंग सेवन नाइन नेक्स्ट फोर नेक्स्ट, सेवन थ्री फाइव मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 1714 1714। नेक्स्ट794 नेक्स्ट, 735 टोटल करो 12503 1250। सबका आया ऐसा? नहीं आया तो देखो, ज्यादा नहीं, बोतल में पानी है उसमें डूब मरेगा। ठीक है, खाली मल्टीप्लाई करने का है। 12562। वो 503 बोल रहे, तुम 522 बोल रहे, कौन बोल रहे? 503। ठीक है, उसको दे बोतल में पानी दे। मल्टीप्लाई भी ठीक से नहीं कर रहा। लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना दिया हुआ है बॉस? 11872। कॉमा है डेसिमल, 11872। हम समझ आए, पूछेगा ही तू, पहले हम बोल दिया। दिस इज योर एनपीवी, कितना आएगा एनपीवी? क्या ये तुम भाई कैलकुलेटर पे कर लो। हाँ ठीक हाँ है, ओ 6131। हम बेटा सोच रहा 6130 बोल रहा है। 6131 ऐसे कोई बोलता है क्या? हाँ क्या करता है ना। डन और नॉट डन हो जाएगा तो कि नहीं होगा? अब इसी के बगल में दो कॉलम और बनाएंगे हम। ठीक है, उसमें क्या बनाएंगे देखो, जगह नहीं है, जिसके पास नहीं है तुम लोग का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम दो कॉलम और बनाएंगे, क्या सिखाने के लिए बताए? ये वाला IRR, NPV निकाल दिए, IRR निकालना है। तो IRR निकालने के लिए दो कॉलम हम और बना रहे। अच्छा, वापस से कर सकते हैं, वापस टेबल बना के, लेकिन बहुत गधा खटनी हो जाएगी। ठीक है, हम इसी के अंदर बना दे रहे। ठीक, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। कितना वाला लिखोगे सुनो? पहला 8 लिखे दो, उसके बाद जो क्वेश्चन में सबसे बड़ा वाला देगा ना वो ले लेना। सिंपल टेक्निक। तो कितना है? एट द रेट 14%, 14%, और वो वाला सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर छाप दो। हो गया डन। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनटू नया वाला डिस्काउंटिंग फैक्ट करके यहाँ लिखोगे डीसी फैक्ट। चलो करके भरो और टोटल कर दोगे। सिर्फ टोटल करोगे, आउटफ्लो से माइनस नहीं करोगे, ये भी नहीं निकालोगे, सिर्फ टोटल करके दो। और राजनीति तो एग्जाम कैसा हुआ? सीए का दे रही थी ना इंटर, ठीक ठाक पास नहीं हो गया अभी भी है कि नहीं है? कितना दुख देती है तुम हमको, हम क्या बोले? सीफेट से 10,000 × 87 से हम बोले कितना दुख देती हो तुम, हम उम्मीद करते हैं कि तुम पास हो जाओगी। बेकार बेकार बोलने से थोड़ी होता है, पढ़ो और पास, सिंपल। चिन्मय बनेगा टीचर, अगला करियर हमको इसका इसी में दिख रहा है। हम तो हम थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं, ज्यादा तो नहीं चिल्लाते। हमको कभी देखा है किसी को चिल्लाते हुए? जैसे एकदम क्या बोलता है, चिल्लू भर पानी में डूब मर। कंट्रोल करने का मतलब नहीं, हम क्यों नहीं झाड़ता? देखो दो रीजन है ना, झाड़ा आज तक किसी को ना मारा,
कि तुमको ना झाड़ के मार के मेरा कुछ फायदा होने का नहीं, ठीक है? तुम आया है, पढ़ रहे, ठीक से पढ़ो। मारेगा किसी को क्या फायदा मार के? देखो बीकॉम पढ़ के क्या ऐसा बहुत बड़ा तीर मार लेगा? नहीं ना, तुम तुमको मार के भी क्या कर लेगा? तुमको भी पता है तुमसे कुछ नहीं होगा। बताओ कितना आएगा आंसर? 8770 1540 पैसा, इसे तुम मत बोलो, या तो पूरा बोलो या तो 1540 लिख दे, 1540 बोलो कितना लिखना है। ओ, इस बार सच में 1540 बोला है। अच्छा 675 592 1115 777। यहाँ तक तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा? तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ गुड, फिर तुम डूब मारो। 559 बोल रही है, पता है तुम्हारा गलती, इतना लोग गलत एक साथ थोड़ी हो सकता है। गुड, 75 की जगह 57 लिख दी थी। एग्जामिनर भी तुम्हारा ऐसे, देखो सोचो ऐसे किया हो तो ऐसे कर दिया यार, सब 32 देने की जगह ऐसे कर दिया तो 23, अंधा हुआ तो तुम्हारा 2 भी दे सकता है। एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ छोड़ो ना, जब भी निकलेगा देख लेंगे। सुनो ना, आगे बढ़ते हैं। IRR के बारे में बात करते हैं। IRR का मतलब क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है कंपनी को। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? बड़ा ध्यान से देखना, छापा छुपिया भी मत करो, टाइम देंगे, पूरा वक्त देंगे। देखो क्या फॉर्मूला होगा। LR बोले तो लोअर रेट। 8 और 14 में लोअर कौन सा है? 8, वेरी गुड, प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, LDC फैट, माने लोअर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब ये वाला, माइनस HDC फैट, हायर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय LDC फैट माइनस, अरे यार ये ऊपर क्यों चढ़ा दिया मैं, ओह माय गॉड, आउटफ्लो माइनस HDC फैट प्लस, आउटफ्लो मतलब ये वाला, प्लस यार गैप। गैप का मतलब क्या होता है? जैसे गैप होता कुछ नहीं है, डिफरेंस, हाँ समझ गया ना, मतलब इधर 14 है, 14% है, और इधर कितना परसेंट है? 8%, तो गैप या डिफरेंस कितना हो गया? 6%, ठीक है? इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको करने का है। तो कैसे करोगे? जैसे ये है LR, LR कितना हो गया? 8 प्लस LDC फैट कितना है? 12503 माइनस आउटफ्लो कितना है? 11872 डिवाइडेड बाय 12503 माइनस 11577, ठीक है, इनटू 6। जब ये सारा हो जाएगा आंसर तुम्हारा, तो बाहर में इनटू 100 कर देना, ताकि तुम परसेंटेज में आंसर दे सको। तुम फॉर्मूला में भी इनटू 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व करो, हमको बताओ कितना आंसर है। क्या बोलती तू? 6 आया, 14 माइनस 8। हाँ बोलो ना, तुम क्या बोल रहे हो? लोअर डिस्काउंटेड से जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया, इसलिए लिखे उसको LDC फैट। हायर परसेंटेज लेके जो किया, उसको लेके HDC फैट। कोड दे दिए, बाकी तुम अपना अपना कोड बना सकते हो। एग्जाम में अपना कोड कोशिश कर लेना, फिर अगला बार मेरा कोड तो पड़ेगा ही। मैनेजर अपना कोड बनाएगा। ओह अच्छा अच्छा, बोला चिन्मय, बोला हम अपना कोड लिखेगा। अच्छा और राजनंदनी, तुम फिर टीचर बनने का सोच रही हो क्या? अक्सर जो सीए पास नहीं करता टीचर ही बन जाता है, हमको देखो। क्या करेगा आदमी अब सीए जब पास नहीं होगा तो? दूसरा तो कोई नौकरी लग नहीं। हाँ तुम मत बनो रे, ये नहीं बोलना है बन जाओ, नहीं बनने बोलना,
झूठ नहीं बोलने का बन जाओ, कितना स्ट्रगल है खुद नहीं समझ में आया। पक्का तो ठीक है, एजीसी के दरवाजे खुले हैं। गैर, गैर माने 14 माइनस 8 कितना आया, किसी का आया क्या कि नहीं आया? जिसको सॉल्व करना नहीं आता वो भी बता देना, सर हमको तो ये मल्टीप्लाई वो भी नहीं आता है, हमको वो भी बता दीजिए, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। क्या बोल रही हो? 12503 माइनस 11872 कितना होता है? 671। अरे कोई पूछ नहीं रहा हो तो पूछेगा नहीं, टीचर का काम होता, पता है कि उसका शकल देख के उसको नहीं आता है। 926 × 6 × 100 416। पागल उगल हो गया क्या? 631 बाई 926 तो डेसिमल में हो जाता है, डेसिमल इंटू सिक्स कितना होगा? 8 प्लस कितना होगा देख तो, 4.0, चलो 9 कर देते उसको, इंटू 100। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे दिया भाई, अभी भी नहीं सॉल्व होगा तो देख क्या करेगा। सबका आया 12.909%, अपने से कि छाप के? तब ठीक है, तुम्हारा अपने से आया तो अभी खुश होने का नहीं है, अभी प्रोजेक्ट टू तुम हमको करके देगा। चलो पूरा प्रोजेक्ट टू झटाझट एकदम एनपीवी और आईआरआर दोनों निकाल के दो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। तुम 6 ले लेना भाई, शुरू तो करो फटाफट, दबा के करो। ए चार्जर लाया कोई? दे तो बी का होता है, सी वाला ही चाहिए। बी टाइप का फोन अभी भी चल जाएगा? मैं मम्मी के पास है लेकिन सैमसंग है तो हाँ ठीक है, रियलमी तो नाम में काहे बोल रहा है। अरे बाप इतना मोटा चार्जर, फोन नहीं खराब हो जाएगा ना मेरा? कितना वाट का है? याद नहीं लिखा होता है, बाप रे बाप, इतना तो मेरे में सपोर्ट भी नहीं करेगा। वही तो, और किसी के पास नहीं है तो चार्जर? ठीक है सर, आईफोन आईफोन तो हम लोग देखे ही नहीं कभी, खरीदना भी दूर का बात। कब भाई तो चार्ज ही नहीं हो रहा। हो गया सबका? अभी हेडिंग देना शुरू किया, शुरू करो। Thank you.
हो गया क्या प्रोजेक्ट टू? टेन पॉइंट वन सेवन फाइव। बाकी लोग भी आओ। जो जो कर लिया मेरे को बताओ। हाँ क्या बोल रहा है? हजार ठीक है। 926 857 1588 735। बोलो भाई ये सब बोलो। क्या बोलता है? 106 107 106। बीमारी है इसका लगता ये वाला बोल। आया सब कैसा? चलिए बताओ। ये बताओ आया तो सबका इतना सारा। वेरी गुड। चले आगे क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो। बिगाड़
हो गया।